अस्सलाम वालेकुम आप सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेंस ऑफ ह्यूमर आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही मूड बहुत बूस्ट कर देता है। ग्रुप में हम लोग आजकल ट्रैवल कर रहे हैं तो सबको बहुत एंटरटेन करता है, बहुत सबको हंसाता है, इवन ऑन द सेट्स। सो दैट्स हिज हिडन टैलेंट। हिडन तो नहीं है, खैर इट्स ओपन फॉर हिडन, कुछ भी नहीं, हिडन को हिडन ही रहना चाहिए। ऑनेस्टी बहुत एडमायर करता हूँ हमेशा। शी इज वेरी ऑनेस्टली, फौरन बता देती है कितनी बुरी परफॉर्मेंस की है। सेंस ऑफ ह्यूमर। नो नो, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद दैट। मैंने यमुना को रिसेंटली अपना कुछ काम दिखाया तो शी वाज लाइक ये क्या है, एंड देन आई रियलाइज्ड वाकई कि ये क्या है। सो या आई मीन शी इज वेरी ऑनेस्ट। ये आपसे भी पूछना है यमुना और मुझे इनके फैंस से भी पूछना है, हाँ, कि वहाज को पिक करेंगे कि मुर्तज़ा। वो तो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है, लेकिन लेडीज आपको क्या वहाज में दिखता है, मतलब बिसाइड्स, आप तो उसको एज अ मुर्तज़ा जानते हैं ना उसकी। आप ही को देख कर रहे हैं। अम्मा अम्मा बिरयानी आ गई। वर्क्स और समथिंग नॉन रोमांटिक हीरोज टाइप। Well, I think I am very lucky for that matter. मैं अगर negative character भी play करता हूँ तो लोगों को उससे भी प्यार हो जाता है। लेकिन नहीं, अभी नहीं है। But I would love to play. Which Pakistani dish do you think represents your personality the most? Wow, that's a good one. Biryani. I think for me it's meetha paratha. Unfortunately, मेरे वालिद के साथ तो कोई ऐसी पिक्चर नहीं है, मेरी वालदा के साथ ही है। और एक हमारी पिक्चर है जो आई एम अ वेरी शाय पर्सन, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को, प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल प्राइवेट ही रखना चाहता हूँ। सो मैंने कभी इंटरनेट पे लगाई नहीं है वो वाली तस्वीर, लेकिन जिनको चाहिए उनको मैं भेज दूंगा। आई जस्ट ट्राई टू एम्पथाइज विद द कैरेक्टर्स एंड सी द वर्ल्ड थ्रू देयर पर्सपेक्टिव, and also I try to connect with them emotionally. जितना emotionally आप character को connect करते हैं वो उतना ही आपके अंदर feel होना शुरू हो जाता है, and you just have to be very honest. Whatever you are doing, you just have to feel it. जो feeling है वो genuine होनी चाहिए। और वहाज बहुत honesty से काम करते हैं, तो इस chemistry का मैं 50% credit वहाज को दूंगी और 50% वाज से दोस्ती भी है, लेकिन काम के टाइम पे बहुत पर्सनालिटी क्लैश रहता है। बिल्कुल दो मुख्तलिफ इंसान, बहुत मुख्तलिफ हैं, तो बहुत इख्तलाफ अट्रैक्ट्स पीपल एक्चुअली। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स फॉर यू टू बी इन? आई थिंक मुझे जिसमें मेरे चाहने वाले दिखना चाहते हैं मैं उसमें कंफर्टेबल होता हूँ। सैड सॉन्ग्स इतने क्यों पसंद हैं? आई विश मैं सुना सकता, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता। एक
थी मेरी कि मुझे कभी गाना भी आ जाए, लेकिन आई डोंट नो, शायद कभी हो जाए पूरी मेरी ख्वाहिश. लेकिन सैड सॉन्ग नहीं पसंद मुझे, आई एम अ हैप्पी सोल. सो इट्स जस्ट दैट अक्सर मैं जब कभी नजर आया हूँ तो किसी सैड मूड में नजर आया हूँ. रोज भी तो ऐसे मिलते रहते हैं ना सैड. আর তোমার সাথে আমার কোনো কথা বলা নেই. মুঝে তোমার সাথে কোনো বাত নেই করনি. সরি, কিসকা মানে? সে ওয়ান মোর টাইম ইন বাংলা. আর তোমার সাথে আমার কোনো কথা বলা নেই.